नमस्कार, आपके साथ मैं रीना चाबालियान हाजिर हूं एक बार फिर से कुछ ऐसी खबर लेकर जो कि जानना आपके लिए है बेहद जरूरी। तो मैं वो खबर बताऊं आपको कि आज कौन सी वो अहम और महत्वपूर्ण खबर है। लेकिन उससे पहले अगर आप एक नए व्यूवर हैं मेरे YouTube चैनल पर तो फटाफट से जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे YouTube चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि जब भी मैं YouTube पर लाइव आऊं या कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके फोन पर नोटिफिकेशन फटाफट से आ जाए और आप उस वीडियो को जरूर वॉच करें ताकि आपकी जानकारी बढ़ सके। बहरहाल बढ़ेंगे आगे और अब मैं बात करती हूँ वो महत्वपूर्ण खबर जिसके बारे में जानना आपके लिए जरूरी है। वो खबर ये है कि एक बार फिर से नाइट कर्फ्यू का सहारा लेने कई राज्य सरकारें जा रही है। उन कई राज्य सरकारों में से एक महत्वपूर्ण है, महाराष्ट्र की हम बात कर लेते हैं, जहाँ महाराष्ट्र में तमाम शहरों में नाइट कर्फ्यू लगने जा रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, नाइट कर्फ्यू का सहारा महाराष्ट्र सरकार लेने जा रही है कोरोना से बचाव के लिए। ये वो कोरोना है जिसने इस साल में हर किसी को किस तरीके से परेशान किया, लेकिन ब्रिटेन में जो इसके नए सिम्टम्स मिल रहे हैं उससे देखते हुए वैज्ञानिकों ने भी ये कहा है कि 70% ज्यादा ये और बुरा असर लोगों पर कर रहा है, 70% ज्यादा ये खतरनाक है पहले वाले कोरोना से। तो इसीलिए इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार नाइट कर्फ्यू का फैसला ले लिया है, 22 तारीख से इस पर अमल कर लिया जाएगा। तो इसीलिए ये जानकारी लेना आपके लिए बेहद जरूरी है, कितने बजे से कितने बजे तक ये नाइट कर्फ्यू रहने वाला है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल 22 दिसंबर से 5 जनवरी तक राज्य के नगर निगम वाले इलाकों में नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। इस दौरान रात में 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बगैर किसी जरूरी काम के आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। राज्य सरकार ने यूरोपियन देशों से आने वाले लोगों के लिए भी नई गाइडलाइन जारी की है। अगर कोई वहां से आ रहा है तो यहाँ पर क्वारंटीन आपको होना होगा 14 दिनों के लिए। मैं इसी का जिक्र कर रही हूँ यूरोपियन देश, जहाँ पर ब्रिटेन की भी अगर हम बात करें, ब्रिटेन में नए सिम्टम्स जो है वो सामने आए हैं कोरोना के, और ऐसे में ये फैसला जो है ये लिया गया है। ब्रिटेन में कोरोना के नए रूप जो सामने आए हैं, हालांकि राज्य सरकार की तरफ से ये अपील भी की जा रही है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं एहतियातन कदम सरकार ज़रूर उठा रही है। तभी ब्रिटेन से जो आने वाली फ्लाइट थी भारत तक उसे कैंसिल कर दिया गया है 31 दिसंबर तक के लिए। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार वो गलती नहीं दोहराना चाहती है जो गलती सरकार ने मार्च के महीने में इस कोरोना के पैर पसारने के दौरान गलती की थी, और उसी का खामियाजा कहीं ना कहीं कई बार विश्लेषक कहते हैं या फिर जो सियासी दल हैं वो सरकार को इसी मुद्दे को लेकर घेरने की कोशिश करते हैं कि मार्च के महीने में अगर समय रहते हुए सरकार ने फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी होती तो शायद इस तरीके की महामारी का सामना देश की जनता को नहीं करना पड़ता। लेकिन उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी गलती को दोबारा से ना दोहराने की कोशिश करते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है कि ब्रिटेन से जो फ्लाइट्स भारत आते ही 31 दिसंबर तक के लिए उन तमाम फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है ताकि असर ज़्यादा ना हो सके। क्योंकि जो वैज्ञानिक हैं उनका ये कहना है कि जो ब्रिटेन में नए लक्षण सामने आए हैं, नया रूप सामने आया है कोरोना का, वो कहीं ना कहीं 70% और ज़्यादा खतरनाक है पुराने वाले कोरोना से। तो इसीलिए एहतियातन ये कदम उठाया गया है। बहरहाल आज का मेरा मकसद इस खबर को पहुंचाने का यही था कि महाराष्ट्र सरकार नाइट कर्फ्यू का सहारा लेने जा रही है और ब्रिटेन से जितनी भी फ्लाइट्स आने वाली थी वो कैंसिल हो चुकी हैं 31 दिसंबर के लिए। ये दो महत्वपूर्ण खबर इस वीडियो के जरिए आप लोगों तक मेरी पहुंचाने की ये कोशिश थी। और भी अगर कुछ क्वेरीज होंगे तो आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा, आपके सवाल यहाँ पर रहते हैं तो मुझे भी आसानी होती है वीडियो बनाने में, ताकि उस मुद्दे को लेकर मैं आप लोगों को जवाब भी दे सकूँ। तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा कि और आप क्या जानना चाहते हैं इसके बारे में। लेकिन हाँ, ब्रिटेन में जो लक्षण पाए गए हैं या जो नया रूप कोरोना का देखने को मिला है उसे देखते हुए मैं आप लोगों से भी अपील करूंगी कि आप लोग भी लापरवाही बिल्कुल ना बरतें,
जैसे आप लोग अपना ख्याल रख रहे हैं, अपने परिवार का ख्याल रख रहे हैं, वैसे ही रखते रहिए। सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कीजिए, मास्क को जरूर लगाइए, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं, हैंड वॉश बार बार कीजिए, सैनिटाइजर का यूज कीजिए और दूसरों को भी यही मैसेज दीजिए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।